काशी में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, वहां जाके नहीं मरे तो स्वर्ग में जीते जी नहीं जाएंगे। धर्मराज हड्डियां हड्डियां तोड़ करके अचानक मौत में मर जाएं, फिर बाद में अगले जन्म में स्वर्ग में जाएं, वो हो सकता है। लेकिन स्वर्गवासी इस जन्म में नहीं बनेंगे। इतनी प्योरिटी की महिमा है, हाँ हाँ बोलो। हाँ तो लक्ष्मी को ये थिएटर में अपने पार्ट के ऊपर गए थे, इस तरह विश्वास नहीं था क्या? है जो लक्ष्मी है ना, हाँ उनका थिएटर या थिएटर से पहले जो अपना पार्ट है उनका हाँ। बनने वाले भविष्य में करके हाँ। तो उनको उस समय उतना गहरा से निश्चय विश्वास नहीं था क्या? इसको लक्ष्मी को कब नहीं था बैठने का मतलब है बाप की पहचान सुना तो है ना, फिर भी फिर भी उस समय सुना तो है ना एडवांस ज्ञान उन्होंने जो मशीन वाली आत्मा है उन्होंने आस पास में बाबा से लिया है। ये तो अनुमान से कहते हो या विश्वास पूर्वक कोई प्रूफ प्रमाण पूर्वक कहते हो? भट्टी कराया जाता है तो वहाँ पर जो बाबा अहमदाबाद में गए थे भट्टी कराने गए थे, भट्टी नहीं जब ब्रह्म बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद जो बाबा है ना राम की आत्मा तो वहाँ पर गए थे कोई जी के सेंटर में हाँ। तो वहाँ पर उनको बाबा को राम की आत्मा को प्रजापिता को उन्होंने पोस्ट कराया था तो उस समय पर बाबा के द्वारा उनको कुछ एडवांस ज्ञान मिला है सर, कैसे सुनने में आया ना? ये क्या अनुमान से कहते हो कि एडवांस ज्ञान उनको सुनाया गया या विश्वास पूर्वक कहते हो? अंधविश्वास है या विश्वास है? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने क्या पाया? दुर्गति पाई। अनुमान से क्या होता है? नुकसान होता है। अनुमान को लंबे समय तक अगर बुद्धि में धारण करके बैठे रहे तो अपना नुकसान करते रहेंगे, फायदा नहीं होगा। आएगी तो इधर तो ज्ञान के आधार पर आएगी, साक्षात्कार के आधार पर आएगी? बिना ज्ञान के सदगति होती है? ज्ञान के बगैर गति होती है? बुद्धि में मनन चिंतन मंथन रूपी गति आएगी? नहीं आएगी। हाँ वो सीता वाली आत्मा है, तुम सात सीताएं हो, कोई अव्वल नंबर सीता, कोई सेकंड नंबर सीता, कोई थर्ड नंबर। तो अव्वल नंबर जो सीता है वो भक्ति है या ज्ञान है? तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो। तो भक्ति की लिस्ट में है या ज्ञानी की लिस्ट में है? कौन सी लिस्ट है? ज्ञान की लिस्ट है। तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, ये वाक्य जो बोले हैं इनसे ये साबित होता है कि वो सब ज्ञानी हैं। क्या हैं? भक्तियां हैं। हाँ भक्तियों में भी अव्वल नंबर भक्ति न कह दो तो अव्वल नंबर जो भक्त होगा उसको साक्षात्कार होगा कि नहीं? नौधा भक्त वाले जो होते हैं, नौधा भक्ति करने वाले फर्स्ट क्लास साक्षात्कार भी करते हैं। तो जब जब माया दुख देती है तो प्योरिटी के पावर के आधार पर वो परम पवित्र परमात्मा उस आत्मा से प्रसन्नता होने के कारण, प्रसन्न होने के कारण उसको साक्षात्कार कराता है। खुश रहो, साक्षात्कार से अल्पकाल की खुशी आती है या नहीं आती है?
आती है। जब जब दुख की लहर आएगी तब तक प्योरिटी की पावर के आधार पर परम पिता परमात्मा उस आत्मा को साक्षात्कार कराता है और वो खुश हो जाती है, विश्वास कर लेती है मेरा ही लक्ष्मी का पार्ट है। बाकी ज्ञान नहीं है, ज्ञान जब होगा तो शेरनी शक्ति होगी या बकरी बनी रहेगी, शेरनी शक्ति हो जाएगी, शिव शक्ति कही जाएगी, बकरी नहीं कही जाएगी, पार्वती कही जाएगी, शंकर को भी पार लगाने वाली कही जाएगी। अभी शंकर का पार्टधारी भी इस पार है या उस पार है? है उस पार है, पार पहुंच गया नहीं, इसी पार है। और बस पार्वती पार लगाती है ना, तो एक स्कूल एक कुमारी एक स्कूल पार लगाती है, ये बोला है एक स्कूल माने क्या बाबा, एक स्कूल माना सब कुछ बाबा, जैसा अपना लोग होता है ना, एक स्कूल माने क्या बाबा, एक स्कूल पार लगाती है बोला है। एक जन्म उसमें जो बच्चे पैदा हुए, फिर उसके जो बच्चे पैदा हुए तीसरा जन्म, फिर उसके जो बच्चे पैदा हुए चौथा जन्म, ऐसे करते करते 21 जन्म तक जो पीढ़ियां चलेंगी वो सब कैसी होंगी? पार लगने वाली, वो सब स्वर्ग को प्राप्त करने वाले हैं, नारकीय नहीं है। और वो भी स्वर्ग में जाएगा ना? कौन? वो एक का स्कूल भी। तेरे को विश्वास नहीं है? जाएगा, जैसे दादा दादी कितना लोग होता है अपना लोग, वो भी स्वर्ग में तो जाएगा ना एक आएगा। वो आत्माएं स्वर्ग में नहीं जाएंगी? स्वर्ग में तो संगम में ही स्वर्ग होता है ना बाबा, सबसे सुमाना संगम में स्वर्ग होता है। संगम युग में मन का स्वर्ग होता है या तन का भी स्वर्ग होता है? मन का स्वर्ग होता है। तन का स्वर्ग तब होगा जब सतयुग आएगा और सतयुग में 5 तत्वों का तन भी सतो प्रधान बन जाएगा। अभी संगम युग में जब तक टोटल विनाश नहीं हुआ है विधर्मियों का, 500-700 करोड़ की आसुरी शक्ति जब तक पूरी खलास नहीं हुई है तब तक 5 तत्वों में परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वो गंदे वाइब्रेशन छोड़ते रहेंगे। कौन कौन है? हाँ, 4.5 लाख के अलावा, 9 लाख के अलावा जो भी आत्माएं हैं देवी देवता सनातन धर्म की जो पक्की नहीं है, 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता नहीं है, वो आसुरी वाइब्रेशन छोड़ते रहेंगे, उससे पृथ्वी का कण कण तामसी बनता रहेगा, इसलिए उनका खलास होना जरूरी है। वो खलास हो जाएंगे, वातावरण बिगाड़ने वाले ही खलास हो जाएंगे, तो जो बचेंगे कैसी आत्माएं बचेंगी? पक्की देवताएं देवात्माएं बचेंगी, फिर स्वर्ग आवेगा, 5 तत्वों में भी परिवर्तन होगा। 5 तत्वों को भी बिगाड़ने वाला और बनाने वाला कौन है? वो आत्माओं का बाप बनाता है, बिगाड़ता है नहीं। हम आत्माएं ही अच्छे संकल्पों से 5 तत्वों को भी परिवर्तन करते हैं अच्छे वाइब्रेशन बनाने से, और हम आत्माएं ही दुष्ट संकल्पों से 5 तत्वों को भी तामसी बनाए देते हैं।
तेरे अम्मा बाप दुश्मन है कि दोस्त है? तेरे अम्मा बाप दुश्मन है कि दोस्त है? तू सरेंडर होना चाहती है कि नहीं? तू सरेंडर होना चाहती है कि नहीं? सच्ची सच्ची बोल। चाहती हूँ। चाहती हूँ, लेकिन कौन बाधा कौन पैदा कर रहा है? कौन बाधा पैदा कर रहा है? सच्ची सच्ची जवाब दे। बाधा कौन पैदा कर रहा है? बाप बाधा पैदा कर रहा है, माँ उसके अधीन है। तो माँ बाप दोनों चाहे तो माँ इसको उठाए और इसकी इच्छा के अनुकूल जाके सरेंडर कर आए। बाप कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के संविधान में अभी भी नियम बना हुआ है कन्याओं के फेवर में, माताओं के फेवर में। क्या? कि माताएं भी बच्चे के लिए उतनी ही हकदार हैं जितना बाप हकदार है। तो माँ भी अगर जाके सरेंडर कर देगी तो बाप कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन माँ किसके अंदर में है? किसके अंदर में? बाप के अंदर में। क्यों अंदर में है? अपना कमाती है, लड़की भी साथ में कमाती है, क्यों अंदर में है? अरे वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो पांच विकार सारी दुनिया को ना कर गड़वा रहे हैं। तो बाबा ने झूठ कहा कि माँ बाप बच्चों के दुश्मन होते हैं? हाँ, मुरली में सुना था बच्चों के दुश्मन होते हैं। बच्चे बड़े दुश्मन बच्चे तो माँ बाप होते हैं। और क्या होते हैं? तेरे को विश्वास नहीं होता? तो होता है, होता है, थोड़ा थोड़ा अविश्वास भी होता है। हाँ हाँ का अर्थ क्या है? हिरण्य कश्यप का अर्थ है हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाला। सोने जैसी जो अच्छी अच्छी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हिरण्य हैं, सोने जैसी सच्ची आत्माएं हैं, उन आत्माओं के काश्य को अर्थात तेज को अर्थात प्योरिटी की पावर को पीने वाला नाम क्या रख दिया? हिरण्यकश्यप। वो उनके तेज को पी रहा है। क्या क्या पी रहा है? प्योरिटी की पावर को पी रहा है। शूटिंग चल रही है, बाप के पास मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। तो कांटे सच्चे होते हैं या फूल सच्चे होते हैं? है क्या सच्चे होते हैं? फूल सच्चे होते हैं। हाँ, फूलों में भी वैरायटी है, कोई अक के फूल है लेकिन कांटे तो नहीं है। कांटे दुखदाई होते हैं, जो निचाट झूठे होते हैं वो जरूर दुखदाई होते हैं। अभी भी जो हिरण्यकश्यप हैं, जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, भोली भाली आत्माएं हैं, उनकी प्योरिटी को पी रहे हैं। काश्य को पी रहे हैं।
भगवान बाप आया हुआ है गुप्त वेश में, पार्ट बजाता है पहले, फिर बाद में खंभे से प्रत्यक्ष हो जाता है। ये शरीर ही क्या है? खंभा है। ये शरीर के ऊपर फिर सारी दुनिया की छत टिकी हुई है। ऐसा खंभा है, जब टाइम आएगा तो मनुष्य के रूप में, नर के रूप में, शेर की तरह दहाड़ मारने वाला नरसिंह अवतार संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। और हिरण्यकश्यप मारा जाएगा। वो शास्त्र में कथाएं बनाई हुई है। माने प्रकट रूपेण, आह्लाद माने खुशी, प्रह्लाद जो प्रकट रूप से संसार को खुशी देने के निमित्त बनता है, तो कौन है वो? कोई व्यक्ति ऐसा है जो दुनिया में सबसे जास्ती खुशी देने के निमित्त बनता है? कोई है या नहीं है? है? कौन है? अरे वो प्रह्लाद का पार्टधारी कौन है? अरे अरे कौन है जिसको पहाड़ पर चढ़ा दिया जाता है, बहुत ऊंचा पार्ट बजा रहा है, और फिर वहां से क्या करते हैं, ऊंचे स्थान से फिर नाली में फेंक दिया जाता है, नंगा कर दिया जाता है, कपड़े भी उतर जाते हैं पिट पिट के। कहाँ ऊंचा और कहाँ नीचा, सांप छोड़ दिया जाता है, सांप का विष पिलाया जाता है, फिर जिंदा रहता है कि मर जाता है? जिंदा रहता है। फिर होलिका दहन में बैठाया जाता है, नाम क्या रखा? होलिका। राक्षसी थी या देवता थी? राक्षसी थी। उस होलिका की गोद में बैठना, वो होलिका अग्नि में बैठी, स्थूल अग्नि में बैठी या कामाग्नि में बैठी होगी? काम आग्नि की बात है। काम आग्नि में साथ में किसको लेके बैठ गई? प्रह्लाद को लेके बैठ गई। फिर कौन मर गया और कौन जिंदा हुआ? कौन अनिश्चय बुद्धि होया और कौन निश्चय बुद्धि रह करके जीवित बना रहा? है प्रह्लाद जीवित बना रहा और होलिका जल भुन गई। एक ही बात को शास्त्रों में अनेक रूपों में दिखाया है। पूतना की कहानी दिखाते हैं। पूतना क्या करती थी? है? छोटे छोटे बच्चे कल के पैदा हुए, क्या पूरा ज्ञान नहीं ले पाया? बच्चा बुद्धि है, एडवांस ज्ञान बेचारे पूरा ले भी नहीं पाते, दुधबूहे बच्चे हैं, उनको विषैला दूध पिला देती है। क्या पिला देती है? विषय वासना का रस पिलाई देती है। जो बच्चे विषय वासना का रस पी लेंगे तो मरेंगे या जिंदा रह जाएंगे? है? कितने मर गए?
उसी नशे में उसने कृष्ण को भी पकड़ लिया, उसको भी दूध दूध पिलाई दिया। कौन सा दूध? विषय वासना का। कौन मरा कौन जिंदा रहा है? पूतना मर गई। नाम क्या रख दिया? पूत माने पवित्र, ना माने ना, जो पवित्र नहीं है व्यभिचारिणी है। जाने कितने कितने बच्चों को व्यभिचारी बनाया, व्यभिचारी बनाया और अनिश्चय पैदा कर दिया बाप के ऊपर। बाप के ऊपर जब अनिश्चय पैदा होता है तो ज्ञान को छोड़ देते हैं, जिंदा रहते हैं, मर जाते हैं, मर जाते हैं, खुद ही भगवान बन के बैठ जाते हैं। हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। इब्राहिम क्या समझता है? कोई इस दुनिया में साकार भगवान होता है, मानता है? है? समझता है? है? नहीं समझता। इब्राहिम का जो आधार मूर्त नारायण है वो भी संगम युग में ऐसा ही पार्ट बजाएगा, दूसरा पार्ट बजाएगा? है? ऐसा ही पार्ट बजाते, हम ही भगवान हैं, दूसरा कोई भगवान साकार में नहीं, हम जो करेंगे सो होगा। ऐसा पार्ट बजाता है। फिर बीज रूप में कोई उसका है बाप? अरे आधार मूर्त नारायण का जड़ का कोई बीज बाप है? नहीं है। अरे अरे एडवांस के आदि में चार थे कि नहीं? चार धर्मों के बीज, उनमें कोई इस्लाम का बीज हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ। वो इस्लाम का बीज अनिश्चय बुद्धि बन जाता है। कारण क्या होता है अनिश्चय बुद्धि बनने का? पूतना ने विषय विकार का रस पिलाई दिया, खुद भी मरी और बच्चों को भी मारा। हम मर गए तो दूसरे धर्म के बनेंगे या देवी देवता सनातन धर्म के बनेंगे? दूसरे धर्म के बन गए बीज। कोई इस्लाम धर्म का बीज बन गया, कोई क्रिश्चियन धर्म का बीज बन गया, कोई बौद्ध धर्म का बीज बन गया। कोई ने कोर्ट मैरिज कर ली, कोई ने दुनियावी शादी कर ली, बाल बच्चे पैदा कर लिए, कोई ने न दुनियावी शादी की न बाल बच्चे पैदा किए। जैसे बाबा कहते हैं विकार में जाना माना शादी, ऐसी शादी करके बैठ गए, किसी को पता ही नहीं चला उन्होंने शादी की या नहीं की। दूसरे क्या समझेंगे, कुमार है या अधर कुमार है, क्या समझेंगे? अरे अरे जो दुनिया की नजरों में शादी नहीं की लेकिन शादी करने वाला जो कर्म करता है वो किया, आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके पीछे बर्बाद कर दी। वैश्याएं होती है तो क्या करती हैं? सारी प्रॉपर्टी हसड़ ले जाती हैं। तो सारी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी, दुनिया की नजरों में कुमार बन के रहे, दुनिया ने जाना ये तो कुमार है, तो दुनिया की नजरों में धूल झोंकी या दुनिया वालों के सामने सच्चे रहे, धूल झोंकी दी। जो भगवान का पार्टधारी है वो कह सकता है किसने शादी बर्बादी की? अरे भगवान की नजरों में भी धूल झोंकी या नहीं झोंकी? भगवान की नजरों में भी धूल झोंक दी। उनको कहते हैं बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े गुरु। महाभारत में सबसे बड़ा सन्यासी कौन है? गुरु है?
कौरवों का भी गुरु बन के बैठता है, पांडवों का भी गुरु बन के बैठता है। कौन है? है भीष्म पितामह। गंगा जी की जाके पूजा करेंगे, गंगा जी के किनारे जाके चौकड़ी मार के बैठेंगे। तो मतलब क्या हुआ है? वही बात कि जैसे पूतना के पार्ट में जो बात समझाई गई है, वही बात होलिका के पार्ट में समझाई गई। बात है वही है, शास्त्रों में अलग अलग रूपों में एक ही बात को, एक ही कथा को दिखाया गया है। और मगर माता कन्या कोई कोई को सुपन खन पुतन खन कहता है, लेकिन पुरुष सब तो दुजदम दुशासन क्यों कहता है बाबा? हाँ, क्योंकि कन्या माताओं में कोई कोई होती है जो विदेशी बन जाती है। क्या कन्याओं माताओं जो भारतीय की कन्याएं माताएं हैं, वो एक पति जिंदगी में करती है कि अनेक करती हैं? ज्यादातर क्या होता है? है एक करती है। कोई कोई ऐसी होती है कि विदेशियों के प्रभाव में आकर के अनेक पति कर बैठती है। हाँ, उनमें दो कैटेगरी की होती है। एक होती है पूतना की कैटेगरी की, एक एक के पास जाके विष मांगेंगी, इशारे से मांगेंगी। इशारे से नहीं समझेगा तो मुख से भी बोल देंगी, हम तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, हमने जिंदगी में कभी किसी को इतना प्यार नहीं किया। ऐसी ऐसी बातें करेंगी कि बस पूरा विश्वास बैठा देंगी, अंदर से एक और बाहर से दूसरी। पूतना माने भिख मांगने वाली, और सुपनखा माने, सुपनखा भी भिख तो मांगती है, लेकिन भिख मांगने पर भी अगर नहीं मिलता है तो कामेशु क्या हो जाती है? क्रोधेशु हो जाती है। इतना क्रोध में आती है कि रावण के दरबार में जाकर के इल्जाम लगाती है कि इन्होंने हमारे साथ बदइखलाकी की, हमने थोड़े ही इनसे भिख मांगा था, इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी। तो भैया बंद सुनेंगे, बाप सुनेगा, चाचा नाना ताका ताऊ सुनेंगे कन्या के मुंह से ऐसी बात, तो उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? गुस्सा आएगा तो लड़ाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसी ढेर की ढेर हैं, बेसिक में भी ऐसी थी और एडवांस में भी ढेर की ढेर ऐसी निकलने वाली हैं, जो सरेआम मैदान में लोक संबंधियों के सामने, समाज के सामने, सरकार के सामने, कोर्ट में खड़ी होकर के उल्टा पलटा बोलेंगी। हमको बर्बाद कर दिया, हम तो नेस्त नाबूद हो गए, भगवान नहीं ये शैतान आया हुआ है। तो जो उसके कुल के होंगे उनको घृणा पैदा होगी या प्यार पैदा होगा? है घृणा पैदा हो जाएगी, वो भगवान को भगवान नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे? शैतान समझेंगे या भगवान समझेंगे? शैतान समझेंगे। और ओम शांति। प्रश्न ये है कि ब्रह्मा को चतुरानन पंचानन कहते हैं,
उनमें एक तो मुकर्रर रथ हो गया तो कितने आनन बचे चार बाकी चार में जगदम्बा का सरस जगदम्बा का पाठ कौन से नंबर का है है लास्ट नंबर का है अगर पहचानने में भूल न हुई होती तो कौन से नंबर का पार्ट होता है अब्बल नंबर का पार्ट होता है चढ़े तो चाखे अमृत रस और गिरे गिरे तो चकनाचूर वो वाली बात हो जाती है और सीढ़ी का हाँ हाँ ये माता जी क्या पूछ रही कान के ऊपर हाथ क्यों रखे हुए दो कान होते हैं एक राइट कान और एक लेफ्ट कान तो वो कौन से कान को बंद किए हुए लेफ्ट कान को बंद किए हुए माने किसी की ग्लानी सुनना उसको पसंद नहीं है ये ब्रह्मा का कृष्ण वाली आत्मा का खास पार्ट है क्या पार्ट है क्या परचिंतन पतन की जड़ परचिंतन नहीं सुनना चाहता कोई की ग्लानी सुनना पसंद नहीं है कृष्ण वाली आत्मा को और राम वाली आत्मा सारे के सारे पोता मेल कहाँ जाते हैं है? सारी की सारी ग्लानी सारा का सारा विष किसके कान में जाता है राम वाली आत्मा के कान में जाता है वो लेफ्टिस्ट कान है या राइटिस्ट कान है लेफ्टिस्ट कान है है हाँ। तो आपको अच्छा नहीं लगा क्या है कृष्ण अच्छा लगता है ना है क्योंकि तुम्हारी बुराई कान पर नहीं डरता है हमारी बुराई कोई कान से न सुने तो अच्छा लगेगा या खराब लगेगा है खराब लगेगा अरे हमारी बुराई कोई सुने वो अच्छा लगेगा या हमारी बुराई कोई सुनना भी पसंद न करे वो अच्छा लगेगा है वो अच्छा लगेगा कौन अच्छा लगेगा चेदु बिना बुराई नहीं हाँ जो हमारी बुराई सुनना पसंद नहीं करता है कान बंद कर लेता है वो ही अच्छा लगता है क्या जो अच्छा लगता है उसको ज्यादा प्राप्ति कराएंगे या जो अच्छा नहीं लगता है उसको ज्यादा सुख देंगे ज्यादा प्राप्ति कराएंगे है क्या अरे जो हमारी बुराई सुनना पसंद ही नहीं करता उसको हम सब कुछ देंगे हमें प्यारा लगता है जो हमारी बुराई सुनना पसंद करता है अच्छा नहीं समझते उसको कुछ जेब में से निकाल के कुछ नहीं देंगे देना नहीं चाहते ऐसे ही है या नहीं है अरे है इस्लामियों को दुनिया के धर्म संप्रदायों में सबसे जास्ती राजाई की प्राप्ति हुई द्वैतवादी दुनिया में सबसे ज्यादा राजाई कौन से धर्म वालों ने की इस्लाम धर्म वालों ने की
ये राजाई की प्राप्ति कराने का निमित्त कौन बनता है? अरे हैं, ब्रह्मा बाबा ने राजाई जी दिलाई, बाबा तो कहते ब्रह्मा से कोई राजाई नहीं मिलती, ब्रह्मा और क्राइस्ट से कोई प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्मा और क्राइस्ट की पूजा करना व्यर्थ है, याद करना भी व्यर्थ है। आप कह रहे ब्रह्मा से प्राप्ति हुई है? कैसे? हाँ, 21 जन्मों का वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। किससे मिलता है? शिव बाबा से मिलता है। बाकी जो 63 जन्म है द्वैतवादी दुनिया में, उनमें राजाई मिलती है कि नहीं मिलती है? है? मिलती है नहीं मिलती? अरे द्वापर कलयुग में राजाई नहीं हुए? हुए। तो उन राजाओं को राजाई की प्राप्ति कराने का निमित्त कौन बनता है? हैं? शिव बाबा भ्रष्ट दुनिया की राजाई देता है? नहीं बाबा। हाँ बाबा, आगे बैठने वाली माता बढ़िया बढ़िया जवाब देने वाली होनी चाहिए। अब खराब खराब जवाब देंगे तो बाबा के सीधे जाके बैठो। हाँ, द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक जो राजाइयां प्राप्त हुई हैं, उन राजाइयों को देने के निमित्त बाप कौन होता है? बाप से वर्षा मिलता है। वो बाप कौन है? राम वाली आत्मा जो प्रजापिता है, वो हद की दुनिया का बाप है या बेहद की दुनिया का रूहानी बाप है? है तो हद की दुनिया का बाप, बड़े से बड़ा बाप है, लेकिन रूहानी बाप नहीं है। क्या है? जिस्मानी बाप है। वो जिस्मानी बाप से हर धर्म की राजाई का फाउंडेशन तो पड़ता है, और उस राजाई प्राप्त कराने में, प्राप्त करने में इस्लाम धर्म सबसे आगे गया। इसका मतलब प्रजापिता वाली आत्मा कौन से धर्म वालों को विधर्मियों में ज्यादा पसंद करती है? इस्लामियों को ज्यादा पसंद करती है। क्यों? क्यों पसंद करती है? हा? अरे अभी अभी बता दिया? नहीं, अरे अभी अभी बात चल रही थी। हाँ, अभी अभी सारी बात चल रही थी। क्यों पसंद करते हैं, क्यों पसंद नहीं करते? हाँ, इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं जो कोई की बात सुनने से कान बंद कर लेती है, कोई की बात नहीं सुननी है। किसको याद करना है? अल्लाह को याद करना है। पहले पहले अल्लाह को याद करना है, साथ में अकबर को याद करना है। वो ही ऊंचे हैं और हम किसी की बात कान बंद कर लो। तो उनकी नजर में, इस्लामियों की नजर में जो एक्ट करते हैं वो भगवान बाप एक व्यापी साबित होता है या अनेक व्यापी है? एक व्यापी है। इसलिए प्रजापिता भी इस्लामियों को पसंद करता है विधर्मियों के बीच में। इसलिए ज्यादा लंबे समय की राजाई किसको मिलती है? इस्लामियों को। क्यों मिलती है? क्योंकि वो अल्लाह मियां की कोई भी बुराई सुनना पसंद नहीं करते।
दुनिया में ऐसी कौन सी 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है जिसमें काम विकार नहीं है? इस दुनिया में, पतित दुनिया में एक भी पावन हो तो बता दो है? सारे पतित कामी हैं या कोई निष्कामी भी है? है तो इस्लामियों की बुराई क्यों कर रहे? नहीं नहीं, अरे जो अवगुण हमारे अंदर खुद भरा हुआ है, हम अपने अवगुण को अभी तक नहीं निकाल पाए तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के हम अधिकारी हैं? हैं? नहीं, ऐसा क्यों कर रहे? इस्लामियों का नाम क्यों ले रहे? हाँ तो कोई खास एक्ट भी तो देखी, तो ये सबसे बड़ा पाप नहीं है? वो अल्लाह मियाँ के सिवाय और किसी को भगवान नहीं मानते, भले अर्थ नहीं जानते हैं अल्लाह। अल्लाह का अर्थ अरबी में भी, उर्दू में भी, हिंदी में भी एक ही अल्लाह माने सबसे ऊंचा। वो सबसे ऊंचा अर्थ में होता है या फर्श में पार्ट बजाता है? कहाँ पार्ट बजाता है सबसे ऊंचा? हैं? फर्श में पार्ट बजाते हैं। उस अल्लाह मियाँ के साथ एक शख्स और है जो ऊंचा है, कौन? अकबर। अक का फूल होता है ना, अक का फूल दुर्गंध छोड़ता है। दुनिया में जितने भी पार्टधारी हैं आज की दुनिया में, वो सब दुर्गंध छोड़ने वाले हैं या सुगंध छोड़ने वाले हैं? सब दुर्गंध छोड़ते हैं। उन दुर्गंध छोड़ने वाले फूलों में अक का फूल भी होता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है। दुर्गंध छोड़ने वाले फूलों में सबसे छोटा होते हुए भी वो दुर्गंध छोड़ने वाले फूलों के बीच में वर, वर माने शेष है। अंधे अच्छे या अंधों के बीच में काना अच्छा है? अंधे हो, राजा का चुनाव होने वाला है, राजा किसको बनाए? और सारे ही अंधे, एक काना बैठा हुआ है तो किसको राजा बनाएंगे? है? अरे एक आंख से तो देखता है। इसलिए अकबर को अल्लाह के साथ जोड़ दिया। तो इस्लामी खराब काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं? खराब काम करते हैं। अल्लाह के साथ अकबर को याद करते हैं, खराब काम काहे का हुआ, अच्छा ही हुआ ना। है चल जितना जितना जनरेशन बढ़ती जाती है ज्ञान छिपता जाता है। सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तमो की स्टेज में जाता है। ये नियम है, ऐसे तमो में जाते जाते 2018 में फिर परिवर्तन होगा, फिर ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश हो जाएगा। और बाबा ने कहा कि है कानपुर में, हाँ बाबा ने कहा कि प्रश्न उठा तो बच्चे को अभी पक्का निश्चय नहीं है। प्रश्न प्रश्न उठा नहीं, प्रश्न भी दो तरह से होते हैं। बाबा ने बोला प्रश्न दो प्रकार से होते हैं,
एक होते हैं अपनी और दूसरों की जिज्ञासा शांत करने के लिए, और एक प्रश्न होता है बाबा की बातों में संशय पैदा करने के लिए। तो जो संशय पैदा करने के लिए क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं वो बात आप बोल रहे हैं। हाँ जी, नहीं तो बाबा ने तो बोला है बाबा बच्चों के खींचने से ज्ञान देता है या स्वतः ही देता है? है बाबा बच्चों को ज्ञान का दान स्वतः ही आकर के देता है या बच्चों के मांगने से या खींचने से देता है? प्रश्न करने की भी दरकार नहीं, जितना ज्ञान की जरूरत है वो टाइम टू टाइम बाबा बच्चों को स्वतः ही देते रहते हैं। फिर कोई बातें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती है, तो जो समझ में ना आने वाली बातें हैं वो अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए पूछना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है, पूछ लेना चाहिए। बाबा कहते हैं एक मुख का रुद्राक्ष विरला मिलता है, दुनिया वालों को देखने में भी बहुतों को नहीं आता। तो एक मुख का रुद्राक्ष की निशानी तो प्रजापिता है, लेकिन प्रजापिता में ब्रह्मा बाबा भी प्रवेश करते हैं, तो एक मुख कैसे हुआ? है एक मुख हुआ या दो मुख हुए? दो हुए है? नहीं, शिव ने ब्रह्मा में प्रवेश करके ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम वेदवाणी दी, और जिस ब्रह्मा में प्रवेश करके वेदवाणी दी वो एक मुख हुआ। हुआ या नहीं हुआ? वो एक मुख वाली आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके प्रवेश तो बहुत बच्चों में करती है, लेकिन उन बच्चों में से एक ही बच्चा ऐसा है जिसमें ब्रह्मा के अलावा कोई दूसरा मुख प्रवेश नहीं करता। बाकी बच्चों में दूसरे दूसरे भी भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, बी के नॉलेज लेने वाले करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, तो वो बहुत मुख वाले हो गए। इसलिए बाबा ने बोला, कोई कहते हैं मेरे में मम्मा आई, मेरे में बाबा आया, बाबा कहते हैं आज मम्मा बाबा आए कल कोई कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा। तो क्या साबित होता है इससे कि एक मुख वाला रुद्राक्ष सिर्फ एक ही मुकर्रर रसधारी है जिसमें एक मुख वाली ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर सकती है, दूसरा कोई भूत प्रेत कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। एक ही नहीं, सवाल यहाँ पर है एक मुख वाला रुद्राक्ष का मणका क्यों कहा जाता है? सवाल यह है कि उसमें ब्रह्मा भी प्रवेश करता है तो एक मुख वाला क्यों? एक मुख वाला इसीलिए ही क्योंकि एक मुख से जो शिव बाबा ने वाणी सुनाई है वो ही आत्मा उसमें प्रवेश करती है, दूसरी कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं करती। कोई दूसरा भूत प्रेत आत्मा, कोई दूसरा ब्रह्मा कुमार की आत्मा या ओम राधे मम्मा की आत्मा प्रवेश कर जाए ऐसा
ऐसा नहीं हो सकता। दस बीस पचास भूले तो बच्चे रोज ही करते होंगे। हाँ वो ही तो सबसे ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान दूसरे वंश वाले बनते हैं या सूर्यवंशी ज्यादा बनते हैं? सूर्यवंशी ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं। मतलब वो गलत करने वाला है, वो करते नहीं है, माया उनसे कराती है। ऐसी जटिल आत्माएं उनमें प्रवेश करती हैं कि उनसे कराती है। वो चाहते हुए भी कहते हैं ना, हम चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाता है। लौकिक पढ़ाई पढ़ने वाले जिंदगी भर पढ़ते रहे, पूरी नहीं होती। साधारणतया ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले एमए पास करेंगे तो 16 साल लगेंगे। 16 साल और 5 साल बाल्यावस्था के ऐड कर दिए तो कितना हुआ? 21 साल बताया। अलौकिक पढ़ाई उसका डबल हो जाएगा। मुरली ने बोला है 50 साल है पढ़ाई और 7 साल में होती है तुम्हारी राजधानी स्थापना। तो 50 साल पढ़ाई टीचर का काम कब से शुरू होता है? 50 साल पढ़ाई माने टीचर का काम कब से शुरू होता है? तो 76 में 50 साल ऐड करो। ट्वेंटी फाइव आया ना, वो वहाँ पढ़ाई पूरी होती है। हाँ जी, फिर जो आखिरी रह गए 10-12 साल उसमें राजधानी स्थापन हो जाती है। और नारद की यादगार कहाँ की है? संगम युग में। संगम में नार माने ज्ञान जल और द माने देने वाला। क्या देने वाला? ज्ञान जल देने वाला माने दूसरों को तो ज्ञान जल देता है लेकिन खुद
चारों तरफ भटकता रहता है। नहीं तो ज्ञान जल देने वाला खुद नई दुनिया में रहे, उसकी बुद्धि कहाँ रहे? नई दुनिया में रहनी चाहिए, पुरानी दुनिया में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। लेकिन नारद नई दुनिया में भी जाता है, पुरानी दुनिया में भी बुद्धि भटकती है, और पाताल लोक में भी बुद्धि जाती है। उसको कहते हैं नारद, माने दूसरों को तो ज्ञान जल देता है लेकिन खुद अपने जीवन में धारण नहीं करता है। तो जो खुद धारण नहीं करेगा, दूसरों को देने में लगा रहेगा, वो लड़ाई झगड़ा कराने के निमित्त बनेगा या शांति की दुनिया बनाने के निमित्त बनेगा? लेकिन फिर भी ज्ञान देता तो है वाचा से, अब ज्ञान तो नहीं देता, इसलिए वो लड़ाई का जो काम कराता है, भले महाभारी महाभारत युद्ध भी करा दे, तो भी वो युद्ध स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बन जाता है। उसके अपने जीवन का कल्याण नहीं होता। क्या सतयुग के जितने भी नारायण हैं, पहले नारायण से लेकर के आठवां नारायण, वो सब नारद हैं। क्या लक्ष्मी का वर्णन नहीं कर पाते? उस संगम युग में क्या करना चाहिए उनको? नर से क्या बनना चाहिए? नारायण बनना चाहिए, लक्ष्मी को वरण करना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी का वरण नहीं कर पाते। क्या करते हैं? दूसरों को ज्ञान देने में लगे रहते। तो वो भी कल्याणकारी काम है। क्या क्या कल्याण होता है दुनिया का? महाभारी महाभारत गृह युद्ध कराने के निमित्त बन जाते हैं। गेटवे टू हेवन इज महाभारत। तो ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शंकर ने नारद की ग्लानि नहीं की है, उनको डांटते भी हैं, डांट डपट भी करते हैं, लेकिन उनका सम्मान भी करते हैं। क्या दुनिया को संदेश तो देता है? किसका? नारायण का। और महाराष्ट्र की राजधानी का नाम क्या है? बम्बई। और बम्बई है माया की नगरी। भारतवर्ष में माया की नगरी बम्बई मानी जाती है, और दुनिया के हिसाब से मायावी देश है अमेरिका। अमेरिका के लिए भी बाबा ने बोला है, मेरे क्या आ जाओ, तुम मेरे हो क्या? इसका मतलब मेरे बच्चे नहीं हो, मायावी बच्चे हो। ऐसे ही जो बम्बई है वो मायावियों की नगरी है। ये वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा एक परिवार होनी चाहिए। भगवान आकर के वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करते हैं, तो उसमें भगवान के दो पार्ट हैं, एक माँ का और एक बाप का। माँ घर संभालती है, माने माताएं जो हैं वो भारत की सेवा करके भारत में स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बनती हैं। चाहे जगदम्बा हो, चाहे लक्ष्मी हो, कोई भी देवी हो माता के रूप में, वो घर संभालती है। और बाप
बाहर संभालता है। तो बाहर की दुनिया में जितने भी राज्य हैं, जितने भी धर्मखंड हैं, वो मायावी धर्मखंड हैं या भारतखंड हैं? मायावी धर्मखंड हैं। जैसे मायावी धर्मखंडों का मुखिया अमेरिका है आज की दुनिया में, ऐसे ही भारत में मायावी धर्मखंड का जो प्रतिनिधित्व करने वाला शहर और देश राज्य वो है महाराष्ट्र बंबई, और उसका नाम क्या पड़ा? बॉम्बे। बॉम्बे नाम क्यों पड़ा? वहाँ ज्ञान के बॉम्ब फूटते हैं। एडवांस ज्ञान की गहराई जितना बॉम्बे वाले धारण करते हैं और बाप जितना दक्षिण भारत में चक्कर लगाता है, उन चक्करों में जितना बॉम्बे का चक्कर लगाता है उतना किसी शहर के चक्कर नहीं लगाता। तो ये महान राष्ट्र है, वो महादेव का राष्ट्र है। किसका राष्ट्र है? महादेव का राष्ट्र है, जहाँ सारी जनरेशन शिवाजी को मानती है। किसकी मान्यता है? शिवाजी की जितनी मान्यता है उतनी और किसी व्यक्ति की मान्यता वहाँ नहीं है। महादेव की नगरी है, हर हर बम बम की नगरी है, इसलिए उसका नाम महान राष्ट्र है। है बम जब फूटेंगे तभी तो स्थापना की प्रत्यक्षता होगी। अगर विनाश नहीं होगा पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों का, पुराने धर्मखंडों का, तो नई दुनिया की प्रत्यक्षता संसार में होगी क्या? होगी? नहीं होगी। इतना महाराष्ट्र में रहकर भी उसका राजधानी माया नगरी कैसे बनी? बता दिया ना, ये पैसे वालों की नगरी है। क्या आज की दुनिया का बड़े से बड़ा देह अभिमान बढ़ाने वाली चीज क्या है? पैसा। ये भी देहभान से कमाया जाता है। तो ये बम्बई जो है उसके बारे में बाबा ने भी बताया है, दिल्ली है स्थापनाकारी और बम्बई है विनाशकारी, इसलिए उसका नाम ही पड़ा है बॉम्बे। हर हर बम बम की नगरी है, शास्त्रों में भी दिखाया है। यादवों की राजाई यादवों के देश में थी या भारत में थी? कहाँ थी? यादवों के राज्य में। यादवों का मुखिया है कृष्ण, और मुरली में बोला है यादवों का मुखिया है शंकर। यादव जो होते हैं बड़े बड़े धनाढ्य होते हैं, बड़े बड़े महलमाणियों अटारियों वाले होते हैं, बड़े बड़े शराबी और कबाबी होते हैं। तो उनके ऊपर कंट्रोलर बैठा हुआ है, शास्त्रों में कृष्ण और ज्ञान मार्ग में शंकर को दिखाया है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से कृष्ण को गीता का भगवान मानते हैं और ज्ञान के हिसाब से शिव शंकर भोलेनाथ ही गीता का भगवान है।